बनारस से पीएम मोदी का राहुल पर डायरेक्ट अटैक, कहा जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं वो यूपी के युवाओं को नशोड़ी बता रहे। सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी पीएम का निशाना, बोले साथ आने के बाद भी रिजल्ट नील पटेल सन्नाटा रहने वाला है। पीएम मोदी बोले राहुल अखिलेश को जमानत बचाने के लिए करना होगा संघर्ष, यूपी में बीजेपी को मिलेंगी 80 की 80 सीटें। पीएम ने राम मंदिर को लेकर भी राहुल को घेरा, कहा कांग्रेस बताए प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों। 2 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, औरंगाबाद और बेगूसराय में होगा प्रोग्राम, एनडीए सरकार बनने के बाद पहला दौरा। बीजेपी वोट लूटने का काम करती है, सबक सिखाना जरूरी, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। 25 फरवरी को राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश, कहा जनता को मुद्दे समझाना जरूरी। 24 फरवरी को राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका, मुरादाबाद से अमरोहा होकर गुजरेगी यात्रा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, कहा स्वागत करने के लिए मैं और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कल ऐलान संभव, सोर्सेस बता रहे हैं कांग्रेस को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, चांदनी चौक सीट मिल सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी से भी कांग्रेस की बातचीत जारी, मेघालय में 1, असम में 2 सीट मांग रही है ममता। सीट शेयरिंग को लेकर बोली मंत्री शशि पांचा, जो जहां ताकतवर उस पार्टी को मिले अधिकार तब इंडिया गठबंधन बढ़ेगा। एनडीए से गठबंधन की जल्द होगी घोषणा, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा, महंगाई रोजगार को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर भड़की राबड़ी देवी, कहा बिहार की जनता सब देख रही है सरकार कैसे इधर उधर पलट रही है। प्रशांत किशोर की बिहार की जनता से अपील, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 21 मार्च को होगी वोटिंग। जेडीएस चीफ एचडी कुमार स्वामी का बयान, सीट बंटवारा कोई समस्या नहीं, 28 सीटें जीतना मकसद। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस में टकराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, खनौरी बॉर्डर पर जाने के लिए अड़े थे किसान। हरियाणा में किसान नेताओं पर एनएसए लगाने का फैसला वापस, युवा किसान की मौत पर किसान संगठनों का रहा ब्लैक डे। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर पर अभी भी सील, पुलिस ने की है कई लेयर की बैरिकेडिंग। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, दिल्ली जाने वाले हर रास्ते पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर कदम उठा रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, 2 से 3 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ईडी, जल्दी केजरीवाल को नोटिस दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी प्रमुख का बयान, कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाला उठाया, अब उसी आपके साथ गठबंधन कर रही है। लखनऊ में सपा नेता विनय शंकर के घर ईडी की रेड, 1100 करोड़ के लोन में की गई हेराफेरी को लेकर एक्शन। संदेश खाली में फिर बढ़ के हिंसा, पीड़ितों ने शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति को लगाई आग, फार्म किया नष्ट। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, आरामबाग, कृष्णानगर और बारासात में करेंगे जनसभा। संदेश खाली जारी, बीजेपी की महिला डेलीगेशन को पुलिस ने कोलकाता में रोका, लॉकेट सर्जरी कर रही थी नेतृत्व। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, कहा पीएम के बंगाल दौरे तक संदेश खाली को जिंदा रखना चाहती है बीजेपी। 24 घंटे के अंदर फिर संदेश खाली पहुंचे डीजी राजीव कुमार, कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। संदेश खाली पर बोली मंत्री शशि पांचा, बीजेपी वहां जाकर समस्या पैदा करना चाहती है। हरियाणा सरकार ने पेश किया बजट, पिछली बार की तुलना में 11% अधिक। सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले किसानों के हित में कई फैसले लिए, 14 फसलों को एमएसपी के तहत लेकर आए। गुरु नाम सिंह चढ़ूनी ने एमएसपी पर सीएम खट्टर के दावे को बताया झूठा, कहा देश प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई एफआईआर से खुलासा, शाम की पाली का पेपर 1 बजे ही लीक हो गया था। यूपी में पेपर लीक को लेकर सियासत हुई तेज, अखिलेश यादव बोले सरकार जानबूझकर पेपर लीक नहीं करवा रही है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कैग की 5 रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए कहा गया। अहमद बुखारी अपने बेटे शाहबान बुखारी को सौंपेंगे दिल्ली जामा मस्जिद की कमान, 25 फरवरी को बेटे की पगड़ी रस्म होगी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की, 2 लोगों से की बात, 1 को मदद पहुंचाई गई। दिल्ली पुलिस ने फर्जी विंग कमांडर को किया गिरफ्तार, पालम एयरफोर्स स्टेशन में की थी घुसने की कोशिश। जयपुर से इनामी आतंकवादी मिराजुद्दीन गिरफ्तार, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गलत ब्लड चढ़ाने से मरीज की मौत, मामले की जांच के लिए टीम हुई गठित। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा, ग्राम रक्षा दल से जुड़े लोगों का प्रोटेस्ट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, डिप्टी सीएम से मिलना चाह रहे थे। जयपुर के जोटवाड़ा में पीएनबी बैंक में फायरिंग, बदमाशों ने कैशियर को मारी गोली। गुजरात में समुद्र के रास्ते ड्रग्स की तस्करी, गिर सोमनाथ पुलिस ने 50 किलो हेरोइन बरामद की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारी बर्फबारी, सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने बचाया। रोहतांग में अटल सुरंग के पास बर्फ की मोटी परत जमी, बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ।